हिमाचल अराजपत्रित महासंघ के जिला स्तरीय चुनावों का आयोजन सोलन में किया गया। इस मौके पर संघ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के राज्य महासचिव एनआर ठाकुर ने की। ठाकुर ने कहा कि उनके संघ को प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्मचारियों का समर्थन मिल रहा है और उनका संघ सभी के साथ मिलकर चुनावों की प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ नेता कर्मचारियों के हितैषी बनकर उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को लगातार जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। एनआर ठाकुर ने कहा कि महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला प्रदेश की कोर कमेटी करेगी तथा कर्मचारी स्वयंभू नेताओं के बहकावे में ना आए। राज्य महासचिव एनआर ठाकुर ने कहा कि उनके संघ में हिमाचल के करीब 92,000 कर्मचारी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। ये संख्या आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी है। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में जो भी कर्मचारी उनका साथ देगा उससे किसी भी तरह का उत्पीड़न का शिकार नहीं होना पड़ेगा, और अगर किसी से कोई राजनीतिक तौर पर जाति होती है तो उसका करारा जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता जो अभी तक संघ के सदस्य भी नहीं है वे चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और कर्मचारियों को भ्रमित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता सभी को मालूम है और कोई भी भ्रम जाल में फंसने वाला नहीं है। इसमें हमने 116 ब्लॉक यूनिट्स गठित की और 86 विभागीय संगठनों के चुनाव करवाए, और उसी के अंतर्गत जो 9 जिलों के चुनाव जो आज संपन्न हो रहे हैं सोलन के साथ। तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था और 92,000 के करीब जो है वो सदस्यता इस महासंघ ने जो है वो अपनी इस पूरे 3 महीनों के कैंपेन चुनावी कैंपेन के दौरान जो करवाई है। तो आगे एनजीओ फेडरेशन के माध्यम से कर्मचारियों के मुद्दे उठें, संयुक्त सलाहकार समिति की बैठकें जो समय पे हो और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर्मचारी हित में हो, उसके लिए जो प्रयास किए जाएंगे। बाकी कुछ लोग जो छुटपुट प्रयास कर रहे हैं फेडरेशन की मुख्य धारा से अलग चलने का, या कोई दावा ठोक रहा है कि मैं एनजीओ फेडरेशन का अगला अध्यक्ष हूँ, तो ये हमारे कवायद नहीं है, ये रिवाज नहीं है। एनजीओ फेडरेशन में कोई भी अध्यक्ष की दावेदारी तब तक नहीं जता सकता जब तक कोर कमेटी की बैठक में फैसला ना हो, और अगर कुछ लोग भ्रमित या गुमराह हैं तो उनको उनके साथ मिल बैठ के प्रयास करेंगे नेगोशिएट करने का और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनसे जो हम अपील करते हैं।